और इसलिए हम लोग ये कहेंगे दंत गा जो गए थे, कभी तो कांग्रेस को का प्रचार करते हैं, कभी तो बीजेपी का प्रचार करते हैं और आदिवासी समाज को बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग कार्यकर्ता उसका विरोध कर रहे थे और आज और कभी भी और अगर भविष्य में आते हैं तो हम लोग मारपीट की नौबत भी समाज करने के लिए तैयार है। कल हम लोग को कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं थी, लेकिन गुप्त सूचना के तहत पता चला कि वे हमारे बीच में आ रहे हैं और वे ये एक खास राजनीतिक पार्टी को मोहरा बनाकर उनके प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं बंधन दिग्गा। और इसके कारण जैसे ही आदिवासी समाज के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मालूम चला तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे और उनको बोले कि आप ये भाषणबाजी, ये गंदी राजनीति करना, या आप धार्मिक अगुआ हैं, नहीं करें, अन्यथा उनको हम लोग दौड़ाए और उनको वहाँ से हम लोग खदेड़ के भगा दिए और फिर भविष्य में फिर देखना नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में आकर आदिवासी समाज को बरगल है। ये धर्मगुरु समाज ने उसको एक ओहदा, एक पीढ़ा उसको जो दिया था, लेकिन उसका वह निर्वाह नहीं कर रहे हैं। उनको धर्मगुरु को धर्म की बातों को कहना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, आदिवासी समाज को आगे कैसे हम धर्म के प्रति आस्था और विश्वास दिया इसके लिए उनको बात करना चाहिए। ये नहीं कि आज ये पार्टी को वोट दो, कल ये पार्टी को वोट दो। ये उनका जो आदिवासी समाज को बरगलाने का जो तरीका है बिल्कुल गलत है, समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें मेरा कहना यही है कि तमाम जैसे ईसाई में भी अपना धर्मगुरु है और हिंदू में भी अपना धर्मगुरु है, मुसलमान में भी अपना धर्मगुरु है, लेकिन क्या जो आदिवासी सरना समाज का अपने आप को धर्मगुरु कहलाते हैं, क्या इसी तरह अन्य समाज के जो सामाजिक अगुआ हैं इसी तरह कोई भी राजनीतिक पार्टी का झंडा ढो के चुनाव प्रचार कर रहे हैं? ये तो समाज, आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और बेचने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो झोला पकड़ के घूमते हैं वो अपने झोले भरने में, इससे आदिवासी समाज का भला नहीं हो सकता है और आदिवासी समाज इसलिए उनको बहिष्कार करती है। और तो और कहना चाहेंगे, यही धर्मगुरु का वजह है जो आज हम लोग का गुमला जिला में जो सम्मेलन स्थल है उस जमीन को भी लोग बेचने का कार्य किया है, जो आज तक और उसके बाद भी अब कहते हैं अपने आप को समाज का, हम इतिहासी हैं, हम धर्मगुरु हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हम नज़र ही ना आए और इस तरह का अगर दोबारा बरगलाने का काम करेंगे, सभा सम्मेलन करेंगे, तो हम लोग पुरजोर तरीके से इसको विरोध करेंगे और किसी भी नौबत तक हम लोग जा सकते हैं। विरोध करने का यही कारण है कि आप एक राजनीतिक पार्टी को कहेंगे कि ये है वो है। जैसे सरना कोर्ट की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सरना कोर्ट का बात किए हैं। सरना कोर्ट को तो कांग्रेस ने ही सरना कोर्ट को तो खत्म किया है। 1950 से पहले हम लोगों का जो आदिवासियों का सरना कोर्ट था उसको किसने खत्म किया है? कांग्रेस ने ही किया है। अब जब खत्म किया है और अभी कहते हैं कि हम सरना कोड देंगे कहते हैं, तो ये तो दुर्भाग्य वाली बात है ना। तो इनको जानना है, इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे कि ये जुमलाबाज वाला नहीं चलेगा। आज अगर सरना कोड का किसी का जुबान में आ रहा है, चाहे तमाम लोग ले रहे हैं, तमाम राष्ट्रीय पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो माननीय चमरालिंडा का ही देन है। और वो 2000 से पहले वो किसी के जुबान पर नहीं आता था कि हम लोगों को सरना कोड मिलना चाहिए, लेकिन आज देखिए उन्हीं का देन है। वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लिए कर रहे हैं, जिसके चलते और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हीं को बंधन गुरु के द्वारा कहा जाता है कि ये समाज को बरगला रहे हैं। तो समाज को चमरालिंडा बरगला नहीं रहे, समाज को जोड़े हुए हैं आज तक। और इसी का प्रतिफल है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी का नींद हराम हो गया है, जिसके चलते किसी को प्रमोट करके समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।